टेक्नो स्पार्क 7 प्रो। टेक्नो स्पार्क 7 और प्रो दोनों जो है वो मुख्तलिफ डिवाइसेज हैं, जो कि 80% जो है वो सिमिलर डिवाइसेज हैं। कुछ डिफरेंसेस जो है वो दोनों के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि टेक्नो स्पार्क 7 प्रो में 5000 mAh की लगाई गई है। और जो दूसरा बेसिक डिफरेंस है वो इसके अंदर आपको 90Hz का डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। उस टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के अंदर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। कुछ चिपसेट्स का फर्क है, कुछ कैमरा का जो है वो यहाँ पर डिफरेंस लगाया गया है। प्राइस टैग जो है वो कोई इतनी ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती। इस टेक्नो स्पार्क 7 प्रो की अगर आप बात करते हैं तो 21,000 रुपये के प्राइस टैग में लॉन्च किया गया है, जो कि ऑफलाइन मार्केट के अंदर आपको ऑलमोस्ट 19,500 का 20,000 का जो है वो देखने को मिल सकता है, जो कि स्टार्ट में जो है वो saman.pk की सेल पे भी जो है उसके काफ़ी ज़्यादा यूनिट जो है वो सेल आउट हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको टेक्नो स्पार्क 7 देखने को मिल गया है, जो कि 80% काफ़ी ज़्यादा सिमिलर डिवाइस है टेक्नो स्पार्क 7 प्रो की बनिस्बत। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम टेक्नो स्पार्क 7 की अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका जो है वो क्विक रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर आपको क्या हाईलाइटिंग फीचर्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं टेक्नो स्पार्क 7 की अनबॉक्सिंग। ओके, तो भाई आ गया है हमारे पास टेक्नो स्पार्क 7 बॉक्स का इंटरफेस। को अगर आप देखते हैं तो वही टेक्नो स्पार्क 7 प्रो वाला जो है वो बॉक्स का इंटरफेस है। यहाँ पर बड़ा बड़ा सा स्पार्क लिखा गया है, यहाँ पर 7 लिखा गया है। ऊपर वाली साइड पे टेक्नो की ब्रांडिंग दी गई है। यूनाइटेड मोबाइल के जो है वारंटी स्पॉन्सर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। स्टीकर यहाँ पर लगाया गया है, जिसके ऊपर 6000 mAh की बैटरी और G70 का गेमिंग चिपसेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इस वाली साइड पे स्पार्क 7 की ब्रांडिंग की गई है, PTA का स्टीकर है और इस वाली साइड पर भी कुछ यही सिचुएशन है। बैक पे जो है वो कुछ मेन हाइलाइट्स जो है वो यहाँ पर लिखी गई हैं, जिसके अंदर आपको सबसे पहले MediaTek का हीलियो G70 का चिपसेट देखने को मिलता है। इसके साथ 16 MP का ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 6000 mAh की बैटरी है, 6.5 इंचेस का डॉट नोच स्क्रीन है। सुपर नाइट मोड यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी हाई इंटरेस्टिंग और हाईलाइटिंग फीचर जो है वो इस मोबाइल फ़ोन का बन जाता है। इसके साथ यहाँ पर ब्लूटूथ ऑडियो शेयर का ऑप्शन जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो इसके बॉक्स को जो है वो हम सबसे पहले अनरैप कर लेते हैं। कटर आज मौजूद नहीं है, इसलिए हाथ से ही जो है वो इसको ओपन करना पड़ रहा है। तो सील को जो है वो हम यहाँ पर ब्रेक कर चुके हैं। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पर आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल रही है, जो कि स्ट्रैप के अंदर मौजूद है। सबसे पहले इसको यहाँ से जो है वो हम बाहर निकाल लेते हैं। स्पार्क 7 प्रो जैसा लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी सिमिलर जो है वो लुक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बाय द टाइम मोबाइल फ़ोन को जो है वो टर्न ऑन कर लेते हैं और मोबाइल फ़ोन का जो फर्दर कॉन्टेंट है उसकी तरफ एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चार्जिंग ब्रिक देखने को मिल रही है, जो कि 5 वॉट और 2 एम्पीयर का जो है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ एक माइक्रो USB की केबल है, जो कि आपको टेक्नो के तमाम मोबाइल फ़ोन्स के अंदर देखने को मिलती है। इसके साथ यहाँ पर आपको एक प्रीमियम क्वालिटी के एयरफोन देखने को मिलते हैं। पाकिस्तानी ब्रांड्स में जो है वो टेक्नो वाहिद ब्रांड है, जो आपको हर मॉडल के साथ जो है वो हैंड फ्री भी प्रोवाइड कर रहा है और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के एयरफोन्स हैं। एयरपॉड्स जैसा डिज़ाइन जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके साथ यहाँ पर एक सिम इजेक्टेड पिन जो है वो मौजूद है। इसके अलावा कुछ वारंटी कार्ड और कुछ यूज़र गाइड जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको सबसे आखिरी चीज़ एक सिलिकन केस देखने को मिल रहा है, जो कि टेक्नो के तमाम मोबाइल फ़ोन्स के साथ जो है प्रोवाइड किया जाता है। वही क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, कुछ इंक्रीज़ यहाँ पर नहीं किया गया। तो मोबाइल फ़ोन जो है वो टर्न ऑन हो चुका है, इसको जल्दी से सेटअप कर लेते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं। ओके, तो भाई मोबाइल फ़ोन जो है वो फाइनली रेडी हो गया। सबसे पहले अगर डिस्प्ले की अगर आप ब्राइटनेस को देखते हैं तो टेक्नो की जो लेटेस्ट सीरीज़ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस जो है वो निकल कर आ रही है। डिस्प्ले वाली साइड से जो है वो आपको कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं आने वाला। टच वाली जो सिचुएशन है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। बैक साइड को अगर आप देखते हैं तो वही मैट बॉडी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है टेक्नो स्पार्क 7 प्रो की तरह। सेंटर में जो है वो यहाँ पर बड़ी सी स्पार्क ब्रांडिंग की गई है, ऊपर टेक्नो लिखा गया है। IMEI स्टीकर लगाया गया है। इसके साथ आपको यहाँ पर ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि 16 MP का लगाया गया है। क्वाड LED फ्लैश है और सेंटर में जो है वो आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर की अवेलेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है। इस वाली साइड पे पावर की है और इससे ऊपर जो है
वो आपको वॉल्यूम की प्रोवाइड की गई, नीचे वाली साइड पे सेंटर में जो है यूएसबी पोर्ट है, और लेफ़्ट पे 3.5 mm का जैक है, और लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपको एक सिम सिचुएशन देखने को मिल जाती है। ऊपर वाली साइड जो है वो बिल्कुल प्लेन है, और यहाँ पर आपको नोच डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के अंदर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिला था। कैमरा ऑप्शंस वगैरह आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट वीडियो है, वीडियो AI कैम, बोके का ऑप्शन मौजूद है, पोर्ट्रेट है, सुपर नाइट मोड का ऑप्शन भी जो है वो इंक्लूड किया गया है, और 16 मेगापिक्सल के कैमरे के अंदर जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्लो मोशन, AR शॉट, पैनोरामा, टाइम लैप्स जैसे नॉर्मल ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ फ्रंटियर साइड पर अगर आप आते हैं तो फ्रंटियर साइड पर भी वही शॉर्ट वीडियो, वीडियो AI कैम, ब्यूटी, पोर्ट्रेट, बोके, AR शॉट वगैरह जैसे ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट वाली साइड पर आपको स्लोमो देखने को नहीं मिलता, वाइड सेल्फी है। इसके अलावा टाइम लैप्स है, पंच होल डिस्प्ले यहाँ पर अगर प्रोवाइड किया जाता तो ये मोबाइल फ़ोन जो है वो टेक्नो स्पार्क 7 प्रो की जगह अगर आप डिस्प्ले पसंद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको परचेज करते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता था। इसके साथ अगर आप इसके प्रीवियस मॉडल की तरफ जाते हैं जो कि टेक्नो स्पार्क 6 है, तो उस मोबाइल से ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, ना कि टेक्नो स्पार्क 7 प्रो से। मैं पहले बोल चुका हूँ कि टेक्नो स्पार्क 7 प्रो से सिमिलर है, जबकि यहाँ पर जो मैंने फ़ीचर्स देखे हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। जबकि टेक्नो स्पार्क 6 के अंदर आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता था, 5000 mAh की बैटरी थी, वही 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप था, लेकिन जो लुक्स थे वो उस मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज़ी लगाए गए थे। तो इस मोबाइल फ़ोन के हवाले से अपना ओपिनियन मुझसे शेयर कीजिएगा, और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या चीज़ें जो है वो आपको पसंद आई वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अनबॉक्सिंग में। अल्लाह हाफिज़।